फ्रेंड्स, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो अभी कंपनी में जिन्होंने अपना फ्रेश रजिस्ट्रेशन किया है और उनको जरूरत है आगे ये सीखने की कि अपने टीम लीडर्स की रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है, एक नए व्यक्ति की रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है, क्योंकि ये बहुत एक प्रेशियस टाइम है जिसमें हम लोगों को अपनी टीम बिल्डिंग बहुत फास्ट करनी चाहिए। पहले प्री लॉन्च के अंदर हमें सिर्फ रजिस्ट्रेशन करते समय एक फॉर्म भरना होता था, लेकिन अब ये एक अच्छी बात है कि कंपनी एज पर इंडियन रूल्स एंड रेगुलेशंस सारी कंप्लायंसेस जो कि केवाईसी नॉर्म्स हैं एज पर इंडियन रूल्स एंड रेगुलेशंस, चाहे आपको बैंक अकाउंट में अपना अकाउंट वैलिडेट कराना है या फिर प्रॉपर्टी परचेज करनी है, एज पर गवर्नमेंट न्यू रेगुलेशन केवाईसी नॉर्म्स में आधार कार्ड मैंडेटरी है और कंपनी अब इस नॉर्म को पूरी तरह से कंप्लायंस में लाते हुए हमको अब नई रजिस्ट्रेशन के साथ केवाईसी डॉक्यूमेंट्स को साथ ही साथ अपलोड करना है। तो आइए देख लेते हैं कि किस तरह से हमें एक नए व्यक्ति की रजिस्ट्रेशन, एक नए लीडर की रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करनी है। सबसे पहले आप अपना ब्राउजर खोलें और ब्राउजर में आप जनस ग्लोबल की वेबसाइट पर जाएं। JanusGlobal.com, यहां पे आप ऊपर लेफ्ट हैंड कॉर्नर में देखें बिकम ए मेंबर, आप इसे क्लिक करें। ये हमेशा बेहतर है कि आप एक नए व्यक्ति की रजिस्ट्रेशन कंपनी की वेबसाइट पे जाके ही कराएं, क्योंकि वहां से आपको कोई किसी तरह की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। जब हम अपनी पर्सनलाइज्ड वेबसाइट के थ्रू ज्वाइनिंग किसी भी लीडर को स्पॉन्सर करते हैं तो वो भी एक अच्छा तरीका है, लेकिन नॉर्मली क्या होता है कि जब हम किसी दूसरे व्यक्ति का स्पॉन्सर किसी और को बनाते हैं और गलती से हमने अपनी पर्सनल वेबसाइट के माध्यम से उसको ज्वाइन करा दिया तो जो थर्ड पर्सन के स्पॉन्सर हम बन जाते हैं। तो ये हमेशा बेहतर है कि हम कंपनी की वेबसाइट पे जाके बिकम ए मेंबर क्लिक करें और सबसे पहले वो हमसे स्पॉन्सर नेम पूछेगा। तो मेरे पास जैसे एक नए व्यक्ति की रजिस्ट्रेशन जिसका मैं प्रैक्टिकल डेमो आपको दे रहा हूं, यहां पे हमने अपना या उस व्यक्ति का स्पॉन्सर जो होगा उसका स्पॉन्सर नेम डालना है। ये हमने स्पॉन्सर नेम डाल के सबमिट कर दिया। बहुत इजी प्रोसेस है लोग दोस्तों। अब ये जो अगला ब्राउजर विंडो खुलेगा उसके अंदर वो चूज योर रीजन पूछेगा, तो हमें इंडिया इसके अंदर फीड इन करना है, इंडिया और लैंग्वेज इंग्लिश। उसके बाद हमें कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद टर्म्स एंड कंडीशंस को आई कंसेंट करके हमें फिर कंटिन्यू करना है। अब एक बहुत सिंपल सा फॉर्म खुलेगा जिसको हमें हम बहुत इजीली कंप्लीट कर सकते हैं। स्पॉन्सर नेम ठीक होना चाहिए। उसके बाद हम जिस व्यक्ति की नए व्यक्ति की रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो हमें उसके लिए भी एक यूआरएल या यूजर नेम क्रिएट करना होगा। तो हम फॉर एग्जांपल इस नए व्यक्ति का जो यूजर नेम है वो हम रखते हैं चेन्नई टाइगर। अब हमें यहाँ पे चेक करना है कि वेदर दिस नेम इज अवेलेबल और नॉट, तो रिक्वेस्टेड साइट यू आर एल इज अवेलेबल फॉर यूज। तो हम ये चूज कर सकते हैं नए व्यक्ति के लिए जिसका हम साइन अप कर रहे हैं, राइट? अगर ये नाम पहले से टेकन अप होता तो यहाँ पे रेड मार्क्स आ जाते कि दिस रिक्वेस्टेड साइट यू आर एल इज नॉट अवेलेबल फॉर यूज। अब सबसे पहले हमें केवाईसी नॉर्म कंप्लीट करते हुए हमारे न्यू साइन अप का आधार नंबर डालना है। तो मैं इस तरह से जैसे पहले से ही मेरे पास कंप्लीट डाटा मैंने लेके रखा है, तो आप भी अपने
प्रोस्पेक्ट का कंप्लीट डाटा, तो इसको आधार कार्ड को चेक और रीचेक कर लीजिए 7484-4731-9259। इसको हमें चेक और रीचेक करना है क्योंकि आधार कार्ड यूनिक है और एक व्यक्ति का एक ही आधार कार्ड होता है, आधार नंबर होता है। अब हमें पैन नंबर डालना है, ये GS10 नंबर या VAT नंबर उन तब एप्लीकेबल होगा जब हम किसी कंपनी के नाम से प्रोप्राइटरशिप फर्म या पार्टनरशिप फर्म या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के नाम से रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, ID क्रिएट कर रहे हैं, तब ये VAT नंबर वगैरह GS10 नंबर ये डालना मैंडेटरी होगा। अब कर्टसी टाइटल, इफ द पर्सन इज मेल देन यू यूज मिस्टर, इफ द पर्सन इज ए फीमेल देन यूज मिसेस, अनमैरिड मीन्स मिस। अगर कंपनी के नाम से रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे कंपनी सिलेक्ट करना होगा। फर्स्ट नेम त्रिलोक, लास्ट नेम चंदर, तो ये दोस्तों बहुत ही सिंपल फॉर्म है। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ, पहले हम मंथ डालेंगे, फॉर एग्जाम्पल हिज त्रिलोक चंदस डेट ऑफ बर्थ इज 25/01/1995, तो जनवरी, देन डेट इज 25th, उसके बाद ईयर इज 1995। यू हैव टू मेक श्योर द पर्सन इज अबव 18 ईयर्स ऑफ एज, और अगर पैन नंबर और ये सारे डिटेल्स आप पहले से ही लेके ले रख लेते हैं अपने पास, तो आपको ये सारी इंफॉर्मेशन फीड करने में बहुत कम वक्त लगेगा, जस्ट अबाउट 5 to 10 मिनट्स यू कैन कंप्लीट द रजिस्ट्रेशन। 1995, सो द ईयर ऑफ बर्थ इज 1995, यू हैव टू सिलेक्ट दिस। इसके बाद राइट हैंड साइड में ये ईमेल हमें बहुत ध्यान से डालनी है क्योंकि सारी कम्युनिकेशन मेल पे जाती है, पासवर्ड एक्सेट्रा, तो हमें ये जो ईमेल आईडी बहुत ही केयरफुली डालना है कि कहीं गलत ना डल जाए। अक्सर लोगों को ये प्रॉब्लम आती है कि वो ईमेल आईडी ही गलत डाल देते हैं, जिसकी वजह से बाद में हमें प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो ये ईमेल आईडी बहुत ध्यान से डालें और इसको चेक और रीचेक कर लें, राइट। ये एक वैलिड ईमेल आईडी होना चाहिए, जैसे द न्यू प्रोस्पेक्ट्स ईमेल आईडी इज trilok5558@yahoo.com। अब उनका फोन नंबर, आप मोबाइल नंबर भी यहां पे डाल सकते हैं, और इसी को कॉपी करके, अगर दो मोबाइल नंबर्स हैं या दो फोन्स हैं तो सेकंड फोन भी सेल फोन में आप डाल सकते हैं, अदरवाइज इसी को कॉपी और पेस्ट करके दूसरे कॉलम में आप फिलअप कर दें। अब मेलिंग नेम में आपके नए प्रोस्पेक्ट का जो फर्स्ट नेम है वो फर्स्ट बॉक्स में, त्रिलोक, चंदर। एड्रेस लाइन, अगर एड्रेस बड़ा है तो दो लाइन में, अदरवाइज सिंगल लाइन में भी आप एड्रेस, अगर छोटा एड्रेस है तो सिंगल लाइन में आप उसको डाल के कंप्लीट कर लें। सो लेट मी फिल अप द एड्रेस, अभी पूरा फॉर्म एड्रेस वगैरह भरने के बाद
शिपिंग एड्रेस में हमें सिर्फ इसे क्लिक करना है, शिपिंग सेम एज मेलिंग। तो आप ये देखिए पूरा हमने जो ऊपर एड्रेस भरा वो ऑटोमेटिकली नीचे कॉपी हो गया। अब इसके बाद जैसे ही आप कंप्लीट साइन अप करेंगे, तो कंप्लीट साइन अप करने के बाद हमें ये टेम्पररी पासवर्ड डिस्प्ले करेगा, जिसके थ्रू हम दोबारा से लॉगिन करके हमको सिक्योरिटी क्वेश्चंस कुछ सेटअप करने होंगे और एक नया पासवर्ड क्रिएट करना होगा। क्योंकि ये टेम्पररी पासवर्ड जिसका हमने साइन अप हम कर रहे हैं उसके ईमेल पे जाता है, तो ये ज़रूरी है कि आप यहीं पे उसका टेम्पररी पासवर्ड अपने स्मार्टफोन से फ़ोटो खींच लें, ताकि आपको उससे पूछना ना पड़े कि उसके ईमेल में, अगर आप उससे पूछें कि अपना ईमेल खोल के बताओ तो ही माइट टेक टाइम। सो इट इज़ बेटर टू टेक ए स्नैपशॉट फ्रॉम योर स्मार्टफोन इस टेम्पररी पासवर्ड का, आप एक स्नैपशॉट खींच के रख लें ताकि आपको टेम्पररी पासवर्ड से फिर लॉगिन करने में आसानी हो। अब जब हम इसको ओके करेंगे उसके बाद हमें ये KYC डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने को बोलेगा, जो कि बेहद ज़रूरी है, बिकॉज कंपनी पूरे कंप्लायंस के साथ अब ये मैंडेटरी है कि हम एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन सारा KYC डॉक्यूमेंट अपलोड करें साथ के साथ ही, जिसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटोग्राफ हमें चाहिए होता है, जुनस का जो फोटो ID क्रिएट होता है उसके लिए हमें पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ या JPG फॉर्मेट में ये सारी पिक्चर्स अपलोड करनी है। अब हमें ये KYC डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, जिसमें सबसे पहले आधार कार्ड, चूज फाइल। अब हम डेस्कटॉप पे जाएंगे, डेस्कटॉप पे जाने के बाद अब हमें वो फोल्डर चूज करना है जहाँ पे हमने उसके KYC डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। आधार कार्ड हम यहाँ से सिलेक्ट करके ओपन करेंगे, तो अब ये देखिए ये अपलोड कर रहा है। अपलोड करने के बाद नाउ इट इज़ अपलोडेड। इसके साथ साथ पैन कार्ड भी हम यहीं से अपलोड कर सकते हैं उसके फोल्डर में जाके, जो हमने पहले से वहाँ पे इमेजेस स्टोर करके रखी हैं। अब ये पैन कार्ड भी अपलोड हो गया, इसी तरह से फोटोग्राफ भी हम सिलेक्ट करके अपलोड करेंगे। प्रूफ ऑफ एड्रेस में आप कुछ भी प्रूफ ऑफ एड्रेस दे सकते हैं, जैसे आधार कार्ड या फिर बैंक पासबुक का जो फ्रंट पेज जहाँ पे एड्रेस डिस्प्ले होता है, या फिर राशन कार्ड, या फिर पासपोर्ट, एनीथिंग विच डिस्प्लेस द एड्रेस प्रूफ जो हमने फॉर्म में फिलअप किया है। तो इस तरह से आप यहाँ पे एड्रेस प्रूफ को अपलोड कर दें। अब ये देखिए अपलोड हो रहा है, अपलोड हो गया। इसके अलावा कैंसिल चेक हम ये बाद में भी अपलोड कर सकते हैं, और कैंसिल चेक कंपनी को इसलिए चाहिए क्योंकि जब वॉल्यूम्स जनरेट होंगी और जब बोनसेस जनरेट होंगे तो कंपनी कैंसिल चेक NEFT करने के लिए उसमें IFSC कोड, बैंक अकाउंट नंबर, पर्सन्स नेम वगैरह रहता है। तो इस तरह से हम ये सारी चीज़ें यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद आपको कंप्लीट साइन अप करना है। अब नाउ द साइन अप इज कंप्लीट, यू आर करंटली ऑन होल्ड स्टेटस। अब ये जो डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए हैं ये कंपनी इसको वेरीफाई करेगी कि ये जो आपने अपलोड किया है, ये जो आपने प्रोफाइल में डिटेल्स भरे हैं उसे मैच हो रहे हैं नहीं। अपलोड करने के बाद कंपनी के डाटाबेस में ये जाएगा, कंपनी उसको वेरीफाई करेगी और आपकी ID एक्टिव हो जाएगी। तो इस तरह से कंप्लीट साइन अप कंप्लीट हुआ। दोस्तों एक लास्ट स्टेप बचता है कि हमको जो हमने एक नया रजिस्ट्रेशन किया उसका हमें टेम्पररी पासवर्ड जिसका हमने अपने स्मार्टफोन से स्नैपशॉट खींच के रखा, अब उस टेम्पररी पासवर्ड को या तो आप अपने नए प्रोस्पेक्ट को बोलें कि वो अपने ईमेल पे अपना टेम्पररी पासवर्ड चेक करके अपना परमानेंट पासवर्ड क्रिएट कर ले, साथ ही साथ सिक्योरिटी क्वेश्चंस भी सेटअप करने होते हैं ताकि फ्यूचर के अंदर वो अपने परमानेंट पासवर्ड से लॉगिन कर पाए, वरना